Hi everyone, I have a great surprise for all my followers. Aap se mulaqat hogi meri is Thursday live 10 baje Pakistan Standard Time only on Drama Central. आखिर तुझ तक पहुंच ही गया तन्नो, बहुत ख्वार किया तूने मुझे। देखिए अपनी जिद का अंजाम। तंजीला, मैं अगर वक्त पर ना पहुंचता तो जानती हो क्या हो सकता था। कुछ अंदाजा है तुम्हें? बस अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। आलिया प्लीज, तुम्हें अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। तंजीला का हमारे सिवा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। और फिर आलिया खुद सोचो, जो इंसान तुम्हारी खुशी की खातिर तुमसे शादी कर सकता है, वो इन हालात में तंजीला को अकेले कैसे छोड़ सकता है? तंजीला मेरी बीवी थी, वो मेरी मोहब्बत है। मैं समझती हूँ, लेकिन आपको भी समझना चाहिए आखिर कि मैं एक औरत हूं और एक औरत दूसरी औरत को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये जानते हुए कि वो उसके शौहर की बीवी रह चुकी। भले आपके उससे सारे रिश्ते खत्म हो गए, भले आपने मुझे दिल से बीवी के रूप में नहीं अपनाया, लेकिन आतिर हूं तो मैं आपकी बीवी। आनिया, अपनी ये शर्त मैं तुम्हें शादी से पहले बता चुका था, तो फिर बार बार एक ही बात दोहराने का क्या फायदा है? मुझे उम्मीद है आनिया, तुम तंजीला की तरफ से मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दोगे। मैं आपसे इसलिए बात करती हूं कि शायद आपको एहसास हो जाए और आप मुझे अपना लें। भले चंद लम्हों के लिए इसे, नूरैन तुम आते सर के रूम में, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए। कुछ नहीं, वो कुछ पेपर्स रखने गई थी, हबीब साहब ने बोला था। देखो नूरैन, आतिर सर की एब्सेंस में कोई भी बिना इजाजत उनके रूम में नहीं जाता, उन्होंने सख्ती से मना किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम अब तुम्हें उनकी फिक्र तो नहीं होगी ना। इस सर्वर को मैं नहीं छोड़ूंगा।
एक बार मेरे हाथ लग जाए बस, उसका भी पता चल जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, अगर उसका कोई नंबर होता तो फिर उस तक पहुंचना बहुत आसान था। नंबर तो है मेरे पास। मीरा, एक बार इस नंबर से कॉल की थी उसने तंजीला को। बस यूं समझ जाओ कि उस तक पहुंचना बहुत आसान हो गया और वो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। छोड़ो नहीं उसको। मामा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मुझे आतिर से ही उम्मीद नहीं थी। वो जानता भी है कि जरा सी परेशानी तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, फिर भी वो तंजीला को घर ले आया। ये नहीं कि वो उसे किसी हॉस्टल में या इदी सेंटर में छोड़ा था। मैंने कहा था, मगर आतिर ने साफ इनकार कर दिया। तलाक के बावजूद भी वो ऐसे बिहेव करते तंजीला के साथ जैसे वो अब भी उसकी बीवी हो। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं देखूँ तो जरा वो तंजीला कर क्या रही है। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। पता नहीं आनिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मेरी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे यहाँ आने ही नहीं चाहिए था। कितना मना किया मैंने आतिर को, लेकिन वो माने ही नहीं। वो आनिया के सामने मेरी पोजीशन को नहीं समझ सकते। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बेशर्मी की। बड़ी ठटाई से मुंह उठाकर इस घर में चली आई। मैंने मना भी किया लेकिन नहीं। इतना अच्छा मौका तुम हाथ से कैसे गवाओगी? तुम गलत सोच रहे हो आनिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद आतिर मुझे जबरदस्ती यहां ले आए। मैं तो खुद यहां नहीं आना चाहती थी, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द यहां से चली जाऊंगी। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज, तुम कहीं भी चली जाओ, आतिर तुम्हें ढूंढ ही ले। इसलिए जाने का बहाना करके मुझ पर एहसान करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें भी अच्छी तरीके से जानती हूं और आतिर को भी। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो औकात में रहना। औकात बनाने वाली तो रब के साथ है। और मैंने ना तो कभी उसकी दी हुई औकात से तजावुज किया है और ना ही गिला। ओ, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि बातें बनाने में तुम बहुत माहिर हो। इन्हीं बातों से तुमने आतिर को फंसाया था ना, जब पहली बार तुमने आतिर को मुझसे छीना था। रुको, तुम आज छुट्टी पर जा रही हो। मगर क्यों बीबी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, लेकिन मैंने एक नई मुलाजमा का इंतजाम कर लिया है। तुम रोज सुबह 2 घंटे के लिए आ जाना। आज से सारा काम ये करेगी। तुम इसे सब कुछ समझा दो और जाते जाते अपनी तनख्वाह लेती जाओ। तनख्वाह? अभी तो महीना पुराने बहुत दिन पड़े।
बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में एक वादा किया था है जाना फिर भूल गए हम सब वो कसम किस्मत से करे या कोई गिला जो हो बस कर दे तंजीला बीबी टाइम में कर देता हूँ मैं कर लूंगी आनिया बीबी को आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था साहब आएंगे तो मैं सब बता दूंगा नहीं रमजान तुम आतिर को कुछ नहीं बताओगे वादा करो कि खामोश रहोगे आतिर मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे और आनिया मुझे यहाँ रहने नहीं देगी लेकिन अगर मेरी इस जरा सी तकलीफ से आनिया को खुशी मिलती है तो ऐसे ही से लेकिन तंजीला बीबी इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी कुछ नहीं होगा मैं ठीक हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाओ यहाँ से और तुम तुम्हें हम दर्दियां बटोरने के अलावा कुछ नहीं आता इधर आओ और आकर मेरे जूते उतार क्या हुआ बुरा लग रहा है देखो अगर इस घर में रहना है तो ये सब तो करना पड़ेगा आओ अब इन्हें उठाकर मेरे कमरे में ले जाकर रखो और मेरे दूसरे जूते लाकर दो पता नहीं मेरे बिलाल ने कौन खाया होगा ये उसे भूख लगी थी खाना मांग रहा था मुझसे नाराज हो क्या मुझसे पता नहीं कहाँ चला गया इतने दिनों से वो घर ही नहीं आया उसे अपनी माँ की याद ही नहीं आई तुम्हें थोड़ा सा खाना खा लो मैंने तुम्हें कहा ना मुझे नहीं खाना खाना
तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती बात? हर वक्त तंग करती हो मुझे, खाना खा लो खाना खा लो। मैंने तुम्हें कहा मुझे मेरा बिलाल चाहिए, पहले मुझे मेरा बेटा ला के दो। मुझे मेरा बिलाल चाहिए, अरे आज में चाहिए, ला के दो मेरा बेटा। तुम्हें क्या पता मैं अपने बेटे के बगैर कैसे जिंदा हूँ? कहाँ से ला बिलाल को? मुझे तो खुद नहीं पता वो कहाँ है, पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा मेरा भाई। आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? बताएंगे भी कैसे आप? क्या हाल बना लिया है आपने अपना? काश अम्मी, काश आपने उस पर इतना अंधा इत्माद ना किया होता, काश आपने रुहेल को सारे पैसे ना दिए होते, तो आज ये सब नहीं होता। आतिर, खाना निकाले, ठंडा हो रहा है। तंजीला आ जाए तो खाते हैं। तुमने बताया उसे खाने का? बताया, लेकिन मेरा ख्याल अब खाना खा चुकी है। ऐसे कैसे खा चुकी है? झूठ बोल रही हूँ, मैं देखता हूँ। आतिब रुके, मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं खुद देखता हूँ। आतिब आपको मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, मैं जानती हूँ आपने मेरी ख्वाहिश पर मुझसे शादी की, लेकिन अगर आप तंजीला को इस घर में अपनी ख्वाहिश पर रखना चाहते हैं तो इस ख्वाहिश का मैं एहतराम करूंगी। चलो, आतिर तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा है। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खाने पर बुलाने के लिए आई हूं? तुम खाना खाओ या ना खाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आतिर की खुशी के लिए आई हूं।